नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपके पसंदीदा YouTube चैनल यूटी जायर पर। तो आए हैं आज हम आपके लिए एक नई जगह को एक्सप्लोर करने, जो बौद्ध सर्किट का एक पॉइंट केसरिया बौद्ध शांति स्तूप है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर पूर्व में SH-74 पर केसरिया में अवस्थित है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको केसरिया बौद्ध स्तूप और बताते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। SH-74 और इसी के पास लगा हुआ है ये बिहार टूरिज्म का बोर्ड केसरिया स्तूप, जो इशारा कर रहा है हमारे दाहिने तरफ। और चलिए हम अपने दाहिने तरफ पर बढ़ते हैं, रोड के उस तरफ पर चल के देखते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं। ये रहा केसरिया बौद्ध स्तूप का मेन गेट और यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप को। और ये गेट पूरा नहीं खुला हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे अंदर जाना है। और यहाँ अंदर का ये नज़ारा बैठने के लिए बना हुआ है। ओके, तो पुलिस वाले सर हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ट्राइपॉड लगा के यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करनी है, यहाँ का ये ऑफिस है और ट्राइपॉड से फोटोग्राफी नहीं करनी है तो खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे। और ये यहाँ पे दिख रहा है कुछ इंस्ट्रक्शन ही लगा हुआ है, बौद्ध स्तूप पर चढ़ना मना है आदेशानुसार, अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल पटना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आजकल न्यूज में देखा जा रहा था और हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था कि ये धीरे धीरे अब थोड़ा सा इस पर ध्यान कम जा रहा है लोगों का, और बारिश के मौसम में यहाँ पर जल जमाव के कारण समस्याएँ आई थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे पानी यहाँ से सूख रहा है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं स्तूप की तरफ। यहाँ से भी आप स्तूप का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पीछे ये मेन रोड देख पा रहे हैं आप लोग और यही रास्ता है स्तूप तक जाने का। तो धीरे धीरे हम लोग स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मतलब पक्की सड़क ही कह लीजिए इसको, और आगे धीरे धीरे स्तूप की तरफ चल रहे हैं। जी जी जी। और यहाँ पे ये एक शिलालेख है जो बौद्ध स्तूप केसरिया के बारे में डिटेल बताता है। तो मैं एक अच्छा व्यू ले लेता हूँ इसका, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक नज़दीकी व्यू दिखाते हैं हम आपको स्तूप का। देखिए सही में लग रहा है कि ये स्तूप आसमान को छू रहा है। वाकई ये जब बना होगा तो इस क्या मनोरम दृश्य रहा होगा यहाँ का। ये तो अब इसके अवशेष मात्र हैं। और ये हल्के फुल्के पेड़ पौधे भी निकल आए हैं इस पे, जो शायद इस पे नहीं होने चाहिए। और ये कुछ ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे जो घूमने फिरने आया करते हैं। केसरिया एक गांव है जो कि पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और यहीं पे है ये स्तूप, केसरिया बौद्ध स्तूप। यहाँ से तो वाकई लग रहा है कि ये आसमान को छू रहा है स्तूप। वाह क्या नज़ारा है। ऐसी हैं जो हो सकता है उस समय कुछ होंगे बैठ के ध्यान करने के लिए, तो इसकी नज़दीक से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये उस समय सीमेंट तो था नहीं, सीमेंट की जुराई नहीं है। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे मेरे उंगली के पास, ये सुर्खी चूने से जुड़ा हुआ। सुर्खी चूना कहने का मतलब है कि पहले ईंटे का कूट कूट के उसको महीन किया गया, उसमें चूना मिलाया गया और उसके बाद इसकी जुराई की गई। और देखिए ये इतना पुराना होने के साथ साथ और अभी तक ये दीवारें खड़ी हैं, और आजकल की सीमेंट पर जुड़ी हुई दीवारें इतने देर कहाँ खड़ी रहती हैं, ये तो आप लोग देखते हैं। गगनचुंबी ऊंचाई है, ऐसा लग रहा है कि आसमान को छू रहा है। ये बहुत पुराने समय में बना हुआ है। तो इसके पुराने होने की जहाँ तक बात है, तो सर्वप्रथम कर्नल मैकेंजी ने 1814 ईस्वी में इसकी खोज की। उसके पश्चात वर्ष 1861-62 में जनरल कनिंघम द्वारा इसकी खुदाई की गई, और सबसे बाद की बात करें तो वर्ष 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा इस स्थल के उत्खनन के बाद इसे विश्व के सबसे ऊंचा बौद्ध शांति स्तूप होने का गौरव प्राप्त हुआ। और वाकई में
जैसा कि मैंने बताया ये गगनचुंबी ऊंचाई, और ये बौद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा शांति बौद्ध शांति। आगे इसकी विशेषताओं की चर्चा करने से पहले आपको दिखा दें कि इस प्रांगण में एक बहुत ही खूबसूरत दुर्गा माता की मंदिर की भी स्थापना हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना मनोरम लग रहा है यहाँ ये मंदिर। और यहाँ पे अगल बगल बैठने की जगह भी बनी हुई है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, और ये दूर बाउंड्री दिखाई दे रहा है, सब इसका ही प्रांगण है। ये पुरातत्व विभाग द्वारा इसके जगह को एक्वायर किया गया है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ है, और जिसकी लताएँ लटकी हुई हैं, तनाएँ, लताएँ क्यों बोल रहे हैं इसको, इसकी तना ही होती है ये, और ये तनाएँ नीचे आके ज़मीन में भी फिर से अपना जड़ बना लेती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी और चर्चा करते हैं इस स्तूप के बारे में, इस गगनचुंबी स्तूप के बारे में। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यह भवन पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन स्तूप के अवशेष मिलने के कारण इसके कार्य को रोक दिया गया, क्योंकि स्तूप के अवशेषों के ऊपर शौचालय बनाना अनुचित होगा। यहाँ एक नज़दीकी नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको कि जो धीरे धीरे कैसे ये खराब हो रहा है यहाँ पर, इसके रख रखाव के अभाव में कह सकते हैं। जैसा कि इधर पे अभी तक सुरक्षित है और इधर धीरे धीरे ये खराब हो रहा है, और यहाँ से भी आप इसका ऊपरी स्तूप का नज़ारा देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, खुदाई के बाद जब पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई की है, तो उसके बाद ये ईंटें सामने दिखी हैं, और दिखे धीरे धीरे जब आप लोग इस तरफ से बढ़ेंगे इधर, तो देखिए यहाँ पे खुदाई का कार्य अभी नहीं हुआ है, जिस कारण यहाँ के अवशेष या बोलिए ईंटें नहीं दिख रही हैं। और जब खुदाई का कार्य इधर भी होगा, तो इधर भी ये स्तूप एक अलग आकृति, जो अपनी असली आकृति में है, शायद थोड़ा थोड़ा दिखे, और इधर खुदाई का अभाव है, और ये खुदाई होनी चाहिए ताकि ये स्तूप अपने असली अवतार में दिख सके। इसकी सराउंडिंग में एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर स्तूप दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साइड में भी अभी खुदाई नहीं हुई है, यानी कह सकते हैं कि अभी 50% ही खुदाई हो पाई है। जिस तरफ हम लोग पहले थे उधर ही खुदाई हुई है, जिसका पूरा नज़ारा आप लोग देख चुके हैं, और इधर खुदाई अभी बाकी है। जैसा जो बना हुआ है इसके सराउंडिंग में, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा ये बाउंड्री वॉल का काम किया गया है, तो इसके बाद यहाँ पर कहीं कहीं ये बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है, बेंच बनाई हुई है, जिस पर जरा बैठ के यहाँ का नज़ारा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वाह वाकई यहाँ से अच्छा दिख रहा है ये स्तूप। तो स्तूप की ऊंचाई की जहाँ तक बात है, तो ये जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया आप लोगों को कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध शांति स्तूप है, जो कि 104 फीट ऊंचा है। वो सोच सकते हैं आप लोग, 104 फीट ऊंचाई, वाकई ये है ऊंचा, और दिख भी रहा है। जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, ये गगनचुंबी ऊंचाई है, सही में शानदार है। और यह स्तूप लगभग 400 फीट की परिधि में फैला हुआ है, ये सर्कल, ये परिधि इसकी 400 फीट की है, मीटर नहीं, गलती से कहा गया, मैंने कह दिया मैंने मीटर, मीटर नहीं, 400 फीट, 400 फीट की परिधि में फैला हुआ, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। वाकई ये बहुत ऊंचा और बहुत शानदार बौद्ध स्तूप है। ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करें, तो ऐतिहासिक परिदृश्य में 1861-62 में इस स्तूप के संबंध में कनिंघम ने लिखा है कि केसरिया का यह स्तूप 200 से 700 ईस्वी के मध्य बना होगा। वाकई कितना पुराना है ये स्तूप। यात्री फाहियान के अनुसार केसरिया के देवरा स्थल पर भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वैशाली से कुशीनगर जाने के वक्त एक रात का विश्राम किए थे, तथा साथ ही आए वैशाली के भिक्षुओं को अपना भिक्षा पात्र प्रदान कर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया था। तो वाकई इसका ऐतिहासिक परिदृश्य भी बहुत ही जानने लायक है और समझने लायक है। ऐतिहासिक परिदृश्य में हम अगर आगे चर्चा करें, तो इस स्थान पर एक अशोक स्तंभ के अवशेष मिलने के कारण मूल केसरिया स्तूप को सम्राट अशोक के समय का माना जाता है, और इस स्तूप को स्थानीय लोगों के द्वारा देवालय कहा जाता है। करंट परिदृश्य, मतलब फिलहाल के परिदृश्य की बात करें, तो सन 1998 ईस्वी में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा
इस स्थल के उत्खनन के बाद इसे विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध शांति स्तूप का गौरव प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और अभी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात। और अंत में हम फिर से आ गए हैं इस स्तूप के साथ साक्षी होने इस सेल्फी वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। और हम अंत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश, एक अपील, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये इस एक अद्वितीय और हमारे ऐतिहासिक स्थल को इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए और इसे और संरक्षित, संग्रहित और पर्यटन के माध्यम से इसे विकसित किया जाए, ताकि विश्व के परिदृश्य में बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ आगमन हो और हमारे यहाँ बिहार में जहाँ की खनिज संपदाओं का अभाव है, तो टूरिज्म है यहाँ पर और इस एक अद्वितीय जगह पर टूरिज्म का विकास हो, जिससे हमारे बिहार में रेवेन्यू का विकास। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो इसी तरह हमारे वीडियो को अपना प्यार दुलार देते रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल योर डिजायर। साइनिंग ऑफ।